वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द वर्ड डेफामेशन। इट कवर्स सेक्शन 499 टू सेक्शन 502 ऑफ आईपीसी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो प्री में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, एंड ऑल्सो जो इसकी एक्सेप्शन हैं, 10 एक्सेप्शन हैं, उसके रिगार्डिंग भी जो है वो प्री में या मेन में क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेफामेशन। पहली इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि कोई भी टॉपिक अन इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट है, दैट मीन्स वो इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, राइट। तो डेफामेशन की हम बात कर रहे हैं, डेफामेशन जो वर्ड की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो राइट टू जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको राइट दे रहा है, फंडामेंटल राइट, विच वन? राइट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन सेक्शन जो आर्टिकल 19 है वहां पर स्पेशली ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में, दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। क्योंकि स्टेट जो है वो, जो सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट है, वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है आपकी राइट्स के ऊपर। तो वी कैन से दैट द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। फर्दर, द गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ और रिस्ट्रेन द फंडामेंटल राइट। इसीलिए डेफामेशन है। यू कैन नॉट इंप्यूट समबड़ी, आप किसी के ऊपर डिफेम, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, आप किसी की रेपुटेशन को हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही है। एक्सप्रेशन इट्स द, जो एक्सप्रेशन वर्ड है ये, इट इज अ वाइडर वर्ड, वाइडर देन व्हाट? राइट, वाइडर देन स्पीच। टू इट कवर्स मैनी वर्ड्स, इट कवर्स एक्सप्रेशन, इट कवर्स जेस्टर, इट कवर्स रिटन वर्ड्स, इट कवर्स साइंस, इट कवर्स जेस्टर्स, इट कवर्स द पब्लिश ऑल्सो। तो एक्सप्रेशन, समथिंग एक्सप्रेस, तो वो वाइडर देन है स्पीच के रिगार्डिंग। तो वो जो फंडामेंटल राइट है उसके ऊपर आपको रिस्ट्रेन किया गया कि यू कैन नॉट डिफेम द रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन, यू कैन नॉट हर्ट द डेफामेशन जो है, हर्ट द रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन। तो सेक्शन 499 इंपॉर्टेंट थिंग है। अब 499 से लेकर 502 ऑफ इंडियन पैनल कोड जो है वो डेफामेशन का वर्ड यूज किया गया है। वहां पर लिखा गया है कि एनी पर्सन हु बाय स्पोकन और रिटन वर्ड्स, हु बाय स्पोकन और रिटन वर्ड्स, साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन या विजिबल जेस्टर्स, क्रिएट्स और पब्लिश एनी इंप्यूटेशन ऑन एनी पर्सन, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, विद एन इंटेंशन टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन। दैट मीन्स इंटेंशन जो है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। द पर्सन मेकिंग सच इंप्यूटेशन, जो आप पर्सन जो है किसी की डेफामेशन कर रहा है, जो वर्ड्स यूज कर रहा है, या वो स्पोक कर रहा है, या साइन कर रहा है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन या पब्लिश कर रहा है, वो पर्सन की बात कर रहे हैं। द पर्सन मेकिंग सच इंप्यूटेशन शुड हैव द नॉलेज और रीजन टू बिलीव कि जो वो इंप्यूटेशन कर रहा है उससे किसी पर्सन की रेपुटेशन हर्ट होने वाली है। रेपुटेशन इज वॉट? रेपुटेशन बेसिकली इज द गुडविल ऑफ द पर्सन इन द सोसाइटी। एक पर्सन की छवि सोसाइटी में क्या है, उसकी रेपुटेशन होती है। रेपुटेशन द पर्सन इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन, वो खुद की कमाई हुई वो जो प्रॉपर्टी है रेपुटेशन, तो इसलिए कोई भी पर्सन उसको हार्म नहीं कर सकता। तो वी कैन से रेपुटेशन मीन्स टू सू एनी पर्सन, इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द रियल डैमेज और हार्म हैज अकर्ड टू द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन। अब इंपॉर्टेंट क्या है, डेफामेशन में तभी आप सूट फाइल कर सकते हो जब ये प्रूफ हो जाएगी उसकी रेपुटेशन को आपने हर्ट किया है। इट इज नेसेसरी टू प्रूव दैट रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन हैज बीन हार्म्ड बाय द ऑफेंडर, इट इज नेसेसरी, इट इज मैंडेटरी। सो ओनली स्पीकिंग और राइटिंग द वर्ड्स या पिक्चराइजिंग या जेस्टरिंग डज नॉट अमाउंट टू डेफामेशन, ये अपने में डेफामेशन बिल्कुल नहीं मानी जाएगी अगर उस वर्ड से, उस स्पोकन से, उस जेस्टर से, उस पब्लिकेशन से किसी की हार्म जो रेपुटेशन को हार्म नहीं हुआ। इफ देयर इज नो हार्म टू द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन, देन द वर्ड्स यूज्ड, जेस्टर्स मेड या पब्लिकेशन मेड आर नॉट फॉल अंडर सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी। तो ये इंपॉर्टेंट है।
Now, publication, defamation और publication. Publication means कि third person को पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो. It is not between A and B. It is not between A and B. B ने A को चोर बोला, it doesn't mean कि उसकी defamation हो गई. लेकिन B ने A को चोर बोला, कब बोला? जब C, D और E वहां पर present थे. तो उसका जो वर्ड्स है, जो उसने स्पोक किया है, वो वर्ड्स पब्लिश हो गए किसके सामने? सी डी और ई के सामने. क्यों? क्योंकि रेपुटेशन जो है वो किसी के सामने रेपुटेशन मानी जाती है, खुद की रेपुटेशन अपने आप के सामने बिल्कुल नहीं मानी जाती. तो ये इंपॉर्टेंट है. फॉर अ पर्सन टू बी सूड फॉर डेफामेशन, इट इज रिक्वायर्ड दैट द पब्लिकेशन ऑफ वर्ड्स ही स्पोक और रॉट मस्ट हैव हैपेंड, ये होना चाहिए. होना चाहिए ये. सो इट मीन्स दैट डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन हैपेंस व्हेन द डेफेमेटरी वर्ड्स हैव रीच्ड टू द एनी थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट डेफेमेशन में जरूरी है. इट मस्ट बी सर्कुलेटेड. जो आपकी वर्ड्स है, जो विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, जो आपने डिफेम किया है किसी को, जो आपने इम्प्यूटेशन किया है किसी के खिलाफ, इल्जाम लगाया है गलत, वो थर्ड पर्सन को पता होना चाहिए. इट मस्ट बी पब्लिश्ड, लीक्ड होनी चाहिए वो बात, सर्कुलेट होनी चाहिए वो बात, तभी वो थर्ड पर्सन को पता लगेगा. अगर देर इज नो थर्ड पर्सन, देन देर इज नो डेफामेशन. क्योंकि डेफामेशन जो है वो ए और बी के बीच में होनी नहीं वाली. वो डेफामेशन तभी मानी जाएगी वो अगर सर्कुलेट हुई है, पब्लिश हुई है, थर्ड पर्सन को पता लगा है कि भाई इसने उसको डिफेम किया, तभी तो रेपुटेशन हार्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी. ये इंपॉर्टेंट है. नाउ वी हैव अ टू वर्ड्स, दैट इज लाइबल एंड द स्लैंडर. लाइबल, आपकी आंख देख रही है, लाइक ड्रॉ कोई कर रहा है पर्सन पिक्चर, वो जो परमानेंट फॉर्म में है, दैट इज लाइबल. राइट, दैट इज लाइबल. परमानेंट फॉर्म में है, राइटिंग में है, प्रिंटेड में है, पिक्चर में है, हम उसको बोलेंगे लाइबल. आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, नंबर ऑफ कार्टून्स बनाते हैं, कार्टून्स अगर उससे किसी की छवि खराब होती है, डेफिनेटली डिफेम कर रहे हो आप. आपने बाय वर्ड्स किसी को डिफेम किया, आपने किसी की गलत पिक्चर जो है वो पब्लिश कर दी. राइट, प्रिंटिंग फॉर्म में किसी को अपने डिफेम किया है, दैट मीन्स जो लाइबल है वो बेसिकली आपकी आईज को अट्रैक्ट करता है. और स्लैंडर, स्लैंडर मीन्स ईयर ड्रम्स, जो कानों ने सुना है, वो परमानेंट फॉर्म में नहीं होता. राइट, तो ये अनरिटन फॉर्म्स होते हैं, लाइक स्पोकन वर्ड्स, जेस्टर्स आर रिप्रेजेंटेशन मेड विद द हैंड्स. आप जेस्टर भी कर सकते हो, ठीक है जी. तो वो वर्ड जो परमानेंट फॉर्म में नहीं है, वो हम लोग कवर करते हैं स्लैंडर में. अब यहां पर इंग्लिश और इंडियन लॉ में डिफरेंट है, नंबर ऑफ डिफरेंसेस है. इंडियन लॉ दोनों को ही कवर करता है सेक्शन 499 में, लेकिन जो हमारा इंग्लिश लॉ है वो सिर्फ लाइबल को ही कवर करता है, स्लैंडर को कवर नहीं करता क्रिमिनल लॉ में. ऑल्दो सिविल लॉ में वो स्लैंडर भी कवर होता है, कंपनसेशन के रिगार्डिंग आप उसके ऊपर जा सकते हो स्लैंडर के रिगार्डिंग, लेकिन इंग्लिश लॉ में सिर्फ क्रिमिनल लॉ में सिर्फ लाइबल ही कवर किया गया. ये इंपॉर्टेंट बात थी आपके लिए, क्योंकि स्लैंडर को वहां पर कवर नहीं किया गया, बट इंडियन लॉ में दोनों को ही कवर किया गया है, क्रिमिनल ऑफेंसेस में सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग. ऑल्दो लॉ ऑफ टॉर्ट भी जो है वो कहने गई जो लाइबल है वो एक्शनेबल पर्सी है, पर्सी एक्शनेबल पर्सी इन लॉ ऑफ टॉर्ट, देयर इज नो नीड टू प्रूव. ठीक है जी, वो अपने आप में लाइबल पर्सी जो है एक्शनेबल पर्सी है. तो जो सिलेंडर है वो एक्शनेबल तो है, लेकिन वो एक्शनेबल पर्सी नहीं है. It means that in case of slander, there has to be proof of the act of defamation. आपको प्रूफ करना पड़ेगा तभी वो defamation मानी जाएगी law of tort में. Compensation आप क्लेम कर सकते, otherwise you cannot claim the compensation in the law of tort. Although your libel है, it is a actionable policy. It is not an actionable policy, but it is an actionable in law of tort. So ये हमारे important था. We have a case DP Chadru. चौधरी, डीपी चौधरी वर्सेस कुमारी मंजुलता. अब इस केस में जो मंजुलता थी वो 17 इयर्स की लड़की थी, और इट वाज पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर की जो मंजुलता है, जो 17 इयर्स की एज है,
वो गर्ल्स बिलोंगिंग टू अ वेल नोन फैमिली लाइक सोसाइटी में अच्छे खानदान को वो जो है वो कर रही है, तो काफी उसकी फैमिली रिच है, वो इलोप्ड हो गई किसी लड़के के साथ हु लिव्ड क्लोज बाय, जो उसके साथ में आसपास ही रहता था, और जो न्यूज थी वो स्प्रेड हो गई, लेकिन वो न्यूज लेटर ऑन पता लगा वो फेक है क्योंकि लड़की घर पे ही थी ना। ये जो उसकी रेपुटेशन जो उसकी लड़की की हर्ट हुई है पूरे सोसाइटी में, तो एज दिस न्यूज वॉज कम्प्लीटली फॉल्स, तो लॉ ने कहा, बेसिकली कोर्ट कहता है कि ये डेफेमेशन में कवर होने वाली है और इसको आप पनिश भी कर सकते हो। तो इट इज हेल्ड दैट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंग्स कवर्स अंडर सेक्शन 499 एंड द पर्सन वॉज हेल्ड लाइबल, ये इंपॉर्टेंट। अब बात करें हम फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन के रिगार्डिंग, डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू द डिफेम्ड पर्सन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन ए और बी के बीच में, ए ने बी को डिफेम किया, दैट्स इट, वहां पर कोई थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर था ही नहीं, अगर थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर नहीं है तो डेफेमेशन नहीं है, वो कह नहीं सकता कि मेरी रेपुटेशन हर्ट कर दी क्योंकि वहां पर तो कोई थर्ड पर्सन था ही नहीं। तो इसलिए जो पर्सन अफेंडर है, लाइक हम लोग उसको अफेंडर मानते नहीं क्योंकि यहां पर जो है उसकी पब्लिकेशन ही नहीं हुई उसकी इम्प्यूटेशन की, तो उसको अफेंडर हम लोग मानते नहीं है। तो जो उसने इम्प्यूटेशन किया है, जो उसने बाय वर्ड या जो जो भी अपने हम वर्ड यूज कर रहे हैं, साइन या स्पोकन या जेस्चर के अकॉर्डिंग उसने इंसल्ट करने की किसी कोशिश की है, लेकिन इफ देयर इज नो थर्ड पर्सन प्रेजेंट ओवर देयर देन इट कैन नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। तो थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर पर्सन इज नेसेसरी टू बी प्रेजेंट देयर। सो पब्लिकेशन जो है वो बाय रेपिटेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑल्दो डेफेमेशन जो है उसका जो है वो लिमिटेड पीरियड के लिए ही आप उसमें सूट फाइल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर पनिशमेंट जो है अराउंड 2 इयर्स की दी गई है, तो नॉर्मल बात है कि उसका 3 इयर्स लिमिटेशन पीरियड होता है एज पर सेक्शन 467 ऑफ सीआरपीसी, तो 3 इयर्स लिमिटेशन इज देयर। बट अगर वो कॉन्टिन्यू डेफेमेशन है तो लॉ कहता है कि हर बार जब भी कोई किसी पर्सन को डिफेम करेगा न्यू एक्शन क्रिएट हो जाएगा और फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज अगर वो फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ तो जो विक्टिम है वो विद इन लिमिटेशन के ही कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर सकता है। ऑल दो सेक्शन 499 जो है बेसिकली सेक्शन 500 की पनिशमेंट दी गई है वो नॉन कॉग्निजेबल है, क्योंकि डायरेक्ट आप एफआईआर नहीं कर सकते, तो इसके लिए बहुत जरूरत है कि जो विक्टिम है वो डायरेक्ट कंप्लेन फाइल करेगा कोर्ट में, तो ये कम इंपॉर्टेंट था। देन वी हैव अ सेक्शन 501 में वो लिखा गया है लाइबिलिटी ऑफ एडिटर्स एंड अदर्स, क्योंकि वो प्रिंटेड मैटर्स के रिगार्डिंग 501 लिखा गया है, वहां पर लिखा गया इट सेज दैट एनी पर्सन हु prints or engraves such a matter which he knows or has reason to believe that such matter is a defamatory nature, so you are liable. Agar koi bhi editor ya koi other person jo usko print kar raha hai, agar uski knowledge mein hai, wo believe kar raha hai ki jo words jo wo publish kar raha hai chahe wo print out kar raha hai wo defamatory nature mein hai aur defamation mein cover karte hain, but still agar wo उसको पब्लिश कर रहा है और उस पब्लिकेशन के रिगार्डिंग किसी की रेपुटेशन लोअर हो रही है, तो वो पर्सन जो है वो लायबल मान जाएंगे, और पनिशमेंट इज देयर 2 इयर्स राइट और फाइन और विद बोथ। वी हैव अ सेक्शन 502 ऑफ इंडियन पेनल कोड, क्योंकि 501 तो जो प्रिंटेड मैटर्स के रिगार्डिंग डील करती है, 502 जो 2 है वो इंडियन पेनल के, उसमें वहां पर लिखा गया है एनी पर्सन हु सेल्स और ऑफर्स, वर्ड सेल्स और ऑफर की बात की गई है, कोई भी ऐसा प्रिंटेड कंटेंट जिसमें उसको पता है कि अगर मैं वो सेल कर रहा हूं या किसी को ऑफर कर रहा हूं तो डेफिनेटली उसमें जो वर्ड्स है जिसमें मुझे पता है कि उसमें किसी की डेफामेशन होने वाली है, तो अगर मैं इंस्टेड ऑफ दैट विद दैट नॉलेज उसको मैं सर्कुलेट कर रहा हूं कि होने वाली इंसल्ट तो हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी अर्निंग करूं, तो यू आर लायबल अंडर सेक्शन 502। तो स्टिल पनिशमेंट इज देयर सेम 2 इयर्स और विद फाइन और बोथ। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, सेल और ऑफर टू सेल, विच वन, कोई भी प्रिंटेड कंटेंट जो 501 में कवर होते हैं, 501 में तो जो प्रिंट कर रहा है वो लायबल होगा, 502 में जो सेल कर रहा है, जो ऑफर टू सेल कर रहा है वो लायबल होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन वहां पर सेक्शन 499 में वो लिखा गया है इंप्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन, एनी पर्सन किसी को कंसर्न करके आप किसी की इंसल्ट करने वाले हो,
एक जनरल वर्ड्स डेफामेशन में कवर नहीं होने वाला। ये सोसाइटी ही चोर है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सोसाइटी चोर है तो है, अब उससे किसी की डेफामेशन थोड़ी होने वाली है। लेकिन मुझे पता है कि 10% बैठे हैं, मुझे पता है कि हाँ भी यार ये सारी सोसाइटी चोर है, तो मुझे मेरा टारगेट क्या है, ए का, ए वहां पर बैठा था। अब मुझे पता है कि मैं अगर ये वर्ड यूज कर रहा हूं तो जो 9% वहां पे ए के साथ बैठे हैं वो उनको पता लग जाएगा कि ये ए के बारे में बात कर रहा है। तो इनडायरेक्ट वे से अगर मैं किसी इंसल्ट कर रहा हूं तो वो सेक्शन 499 में कवर होने वाला है। तो इंपुटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन, दैट मींस दैट डेफामेशन शुड बी क्लियर इनफ, डेफामेशन शुड बी क्लियर इनफ टू पॉइंट आउट द पर्सन कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो, टू हूम द डेफामेशन इज इंटेंडेड to be made, and if it is published to others, then the third person is also be clearly understand who is defamed by the publication. अगर मैं उसको circulate भी कर रहा हूँ, publish भी कर रहा हूँ, तो publish करने में जो third person है, उसको पता लग रहा है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, right? तो ये important है. Now intention to injury under section 499 वो भी important है. चाहे तो आपको knowledge है कि हाँ भी जो आप इंप्रेशन कर रहे हो उससे किसी डेफामेशन होने वाली है, किसी की रेपुटेशन हार्म होने वाली है, जो आपको इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, राइट? तो डिफेंडेंट शुड प्रूव, तो यहां पर डिफेंडेंट कौन है, ऑफेंडर अक्यूज्ड, वो खुद प्रूव करेगा कि मेरी तो ऑनेस्ट इंटेंशन थी, मेरी कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, मेरी ऑनेस्ट इंटेंशन थी, कोई भी वहां पर मैलिक नहीं था, और जो उसने जो इंप्रेशन लगाई है वो ऑनेस्टली लगाई है, या फिर वो इट वॉज मेड जस्ट इन ए वे की वो एक मिस्टेक मानी जाए कि वहां पर उसकी ना कोई नॉलेज है ना कोई इंटेंशन है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, इंटेंशन और नॉलेज, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सेक्शन 499 में ये भी एक स्पेशल हमारा इंग्रीडियंट है। तो वी हैव अ सर्टन एक्सप्लेनेशन जो सेक्शन 499 में अटैच की गई है। एक्सप्लेनेशन वन क्या कह रही है, डेफामेशन ऑफ द डेड पर्सन, किसी मरे हुए व्यक्ति की जो ऑलरेडी जिसकी डेथ हो चुकी है आप उसको डिफेम कर रहे हो, तो ये भी फोर सेक्शन 99 में कवर होने वाला है। तो वहां पर क्लियर कट है दैट इन केस अ पर्सन डिफेम्स अनदर पर्सन हु हैज पास्ड अवे, जिसकी डेथ हो चुकी है, और इज ऑलरेडी डेड, जो ऑलरेडी मरा हुआ है, बाय मींस दैट इट इज दैट इज रिटन स्पोकन बाय जेस्चर और पिक्चर्स, दैट इट विल बी एन एक्ट ऑफ डेफामेशन। सेशन आईपीसी ऑल्दो हम बात कर रहे हैं, तो सेक्शन पूरे आईपीसी में देयर आर फ्यू सेक्शन जो डेड पर्सन के रिगार्डिंग डील कर रहे हैं, लाइक 404 एंड दिस सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पेनल कोड। अगर मरे हुए व्यक्ति के रिगार्डिंग भी आप उसकी रेपुटेशन को आप हर्ट करने वाले हो तो जो सेक्शन 499 में कवर होने वाला है, राइट? सेकंड एक्सप्लेनेशन जो कह रही है वो कह रही है डेफामेशन ऑफ ए कंपनी और ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स। तो यहां पर पर्सन में कंपनी को भी ऐड किया गया है। सो इफ एन एक्ट इज इंटेंडेड टू हार्म और कॉज हार्म टू ए कंपनी और एसोसिएशन और ए ग्रुप ऑफ पीपल, देन इट विल आल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी। तो एनी पर्सन इंक्लूड्स द कंपनी, एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ पर्संस, राइट? इस केस में वी हैव अ प्रिया परमेश्वर पिलाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस केस में एक ग्रीन एक्ट पीस एक्टिविस्ट जो थी वो शी रॉट इन हर ब्लॉग दैट एनवायरनमेंट जो है उसको डिस्ग्रेड किया गया है, किसके द्वारा, एसएल ग्रुप के द्वारा, जो वहां पर उन्होंने पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल किया है उससे एनवायरनमेंट डिग्रेड होने वाला है, और उसने ये जो अपने ब्लॉग में लिखा। और नाउ जो कंपनी थी शी फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट प्रिया, और प्रिया ने आर्ग्यूमेंट में कंटेंड किया कि प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी गिवन द राइट टू फाइल अ डेफामेशन सूट अगेंस्ट द इंडिविजुअल, यू कैन नॉट फाइल अ सूट, बट दिस कंटेंशन जो थी वो उसको सेट असाइड किया गया कोर्ट द्वारा, और प्रिया शी वॉज हेल्ड लाइबल अंडर सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। दिस केस वॉज बेस्ड ऑन अ केस सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जो सुब्रमण्यम स्वामी है, शी जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने एक एलिगेशन लगाया किसके ऊपर, मिस जयललिता के ऊपर। तो जयललिता के ऊपर जब उसने डेफामेशन लगाया कि हाँ भी ये करप्शन कर रही है, करप्शन के रिगार्डिंग उसने उसके ऊपर रेपुटेशन को अपने से एलिगेशन लगाए जयललिता पे, और उसके बाद जयललिता ने उसके ऊपर सूट फाइल कर दी।
राइट. सो जो सुब्रमण्य स्वामीया जो था डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी अक्यूज था, उन्होंने चैलेंज किया कि जो बेसिकली सेक्शन 499 और सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पेनल कोड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. बट स्टिल कोर्ट ने हैंड किया कि द सेक्शन 499 और 500 और द डेफामेशन सेक्शन जो उसके रिगार्डिंग्स हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं है और वो वैलिड है. इसलिए उसको डॉक्टर को हेड लाइबल ठहराया गया. वी हैव अनदर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन थर्ड दैट इज डेफामेशन बाय इन्यूंडो. इन्यूंडो दैट इज इनडायरेक्ट डेफामेशन. Innuendo, that is indirect defamation. Like suppose A says to B, pointing out to C, A B को बोल रहा है C को point करके कि C is a very handed person. I have not seen him making any discriminating against G. वो क्या कह रहा है, मैंने कभी भी नहीं देखा कि C ने कभी भी G के साथ discrimination किया गया. लेकिन B जो है बेसिकली दिस इज डिस्क्रिमिनेशन जो है एज ए इंटेंडेड टू पॉइंट एट सी हैज अ डिस्क्रिमिनेटरी पर्सन एंड दैट ही हैज डिस्क्रिमिनेटेड इन केस ऑफ G. क्योंकि वहां पर जो A है वो B को बोल रहा है कि वो जो C है उसने कभी भी G के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की. B आस्क A, अब B ने A के से पूछा कि डू यू थिंक कि समवन डिस्क्रिमिनेटेड, कि G ने डिस्क्रिमिनेशन की है. अब A ने उसका टर्न रिप्लाई क्या किया, well you know who can, आपको पता ही है अभी कौन यहां पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है. दैट मीन्स A जो है वो इनडायरेक्ट वे से ये कहना चाहता है कि B ने जो है सॉरी C ने G के साथ डिस्क्रिमिनेशन की. तो इट्स अ इनडायरेक्ट वर्ड जो आप डेफिनेशन कर रहे हो. लाइक A जो है वो B के सामने B को कहता है कि जो C है उसने मेरी वॉच नहीं चुराई. भाई नहीं चुराई तो आपको बोलने की जरूरत ही क्या है, लेकिन आपके बोलने का मतलब ही ये है कि सी ने ही मेरी वॉच चुराई है. तो इट्स अ इनडायरेक्ट डेफामेशन. तो वो इन्यूंडो में कवर किया गया है. तो इन्यूंडो इटसेल्फ कवर्ड अंडर सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी. वी हैव एन एक्सप्रेशन 4 व्हाट इज हार्मिंग रेपुटेशन. रेपुटेशन की बात कर रहे हैं तो डेफामेशन बेसिकली इज एन एक्ट बाय विच अ पर्सन्स रेपुटेशन इज harmed. If there is no harm, if there is no act of harming the reputation of any person, then it cannot cover under section 499. What is necessary that jo reputation hai kisi person ki wo cover honi chahiye section 499 mein. To wo hamare liye kafi important hai, right? Although we have a number of exceptions, we have a 10 exceptions जो हमारे section 499 में cover करने वाली हैं. First exception, truth for public good. अब कोई भी person, ये exception है. That means offender liable नहीं है. If any information which is true in itself and was published for the good of the public at large, आपने public के goods के उसकी benefits के लिए वो publish किया तो वो आप liable नहीं होने वाले, right? सेकेंड एक्सेप्शन में वहां पर लिखा गया है फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक सर्वेंट. अगर आप पब्लिक सर्वेंट की फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो उसके लिए आप लायबल नहीं हो. लेकिन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज फेयर क्रिटिसिज्म. अगर वहां पर क्रिटिसिज्म फेयर नहीं है तो यू आर नॉट लायबल अंडर सेक्शन 499. अगर वो फेयर है तो यू आर नॉट लायबल. अगर वो फेयर नहीं है तो यू आर लायबल. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. एक्सपोज इफ रमेश mentioned that particular officer Z is a very bad at his job, वो अपन job सही से नहीं कर रहा, then this is not a defamation क्योंकि उसने उसका criticism fairly किया है तो वो liable नहीं है. वो exception में cover हो जाएगा तो जो है उसकी liability zero हो जाएगी. Then we have another exception, fair comments on public conduct. Public के conduct के regarding आप fair comment कर रहे हो, राइट, ऑफ अ पब्लिक मैन अदर देन अ पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट के अलावा कोई भी अगर पब्लिक है तो उस पब्लिक के कंडक्ट के ऊपर आप फेयरली अगर आप कमेंट कर रहे हो तो नेचुरल बात है वो डेफामेशन में कवर नहीं होने वाला. इफ एनी पर्सन एक्सप्रेसेस हिज और हर व्यूज एंड ओपिनियन ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन हु डिस्चार्जेस एनी काइंड ऑफ पब्लिक फंक्शन,
कोई भी पर्सन अगर पब्लिक फंक्शन को निभा रहा है, पूरा कर रहा है, तो अगर कोई पर्सन उस कंडक्ट के ऊपर फेयर कमेंट करने वाला है तो डेफिनेटली वो डेफामेशन में कवर नहीं आने वाला। एक सम पर्सन अगर वो जो हमारी लाइक सपोज हम बात कर रहे हैं कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट है, जो वो पुअर पर्सन हैं उनको फूड सप्लाई कर रहा है या वो वीट सप्लाई कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन कोई पर्सन उसके ऊपर कंडक्ट के ऊपर फेयर कमेंट कर रहा है कि यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है क्योंकि इसने एक ही पर्सन को तीन बार डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो ही इज नॉट लायबल अंडर सेक्शन, क्योंकि वो फेयर कमेंट है। काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वी हैव अनदर एक्सेप्शन, दैट इज फोर्थ एक्सेप्शन, रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स वर्ड लिखा गया है, तो इफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट और द रिजल्ट ऑफ एनी केस गिवन बाय द कोर्ट आर पब्लिश्ड, then that will not amount to defamation। अब किसी की कोर्ट का जो कोई भी जजमेंट है अगर उसमें आप उस प्रोसीडिंग्स को पब्लिश कर रहे हो तो नेचुरल बात है वो डेफामेशन नहीं है। अगर विद कंसेंट कर रहे हो इट्स नॉट अ पब्लिकेशन, इट्स नॉट अ डेफामेशन। अगर विदाउट कंसेंट कर रहे हो तो वो कंटेंट ऑफ कोर्ट हो सकता है, बट इट इज नॉट कवर अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। अनदर एक्सेप्शन, फिफ्थ एक्सेप्शन, दैट इज कमेंट ऑन केसेस। अगर किसी भी केसेस के ऊपर आप कमेंट कर रहे हो, इफ एनी पर्सन पब्लिश एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेरिट ऑफ द केस, व्हाट रिगार्डिंग द मेरिट ऑफ द केस, और इन रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन हु वाज अ विटनेस, जो विटनेस था उसकी एविडेंस के ऊपर कोई पर्सन कमेंट कर रहा है और वो फेयर कमेंट है, तो नेचुरल बात है वो डेफामेशन में कवर नहीं होने वाला। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वी हैव अनदर एक्सेप्शन, दैट इज सिक्स्थ एक्सेप्शन, लिटररी क्रिटिसिज्म। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि एनी पर्सन इन गुड फेथ एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन, यहाँ पर कोई भी पर्सन अपनी अगर ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहा है इन रिगार्ड टू द परफॉर्मेंस और कैरेक्टर ऑफ ऑथर। कोई भी पर्सन ऑथर है, उसका काम है बुक लिखना, इज द ऑथर। अब पढ़ने वाला कमेंट देगा, लिटरली वो क्रिटिसिज्म भी कर सकता है उसका। अब जो क्रिटिसिज्म कर रहा है वो अगर वो इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ ऑथर की जो लिखी हुई बुक के ऊपर ही क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो वो डेफामेशन नहीं है बिल्कुल। So, like suppose an author of a book who published it submit to the judgment of the public। जो author है वो अपनी book को publish करके judgment जो public को वो handover कर रहा है कि आप बताओ कैसी लगी आपको book। अब कोई criticism करेगा, कोई करेगा बहुत अच्छी book है, अब वो defamation नहीं है बिल्कुल। जो actor है वो अपनी acting करके film को submit कर रहा है आपके ऊपर, कोई कह रहा है जी ये मैं सिर्फ इसको एक star देने वाला हूँ, कोई कहता है कि इसकी जो acting है वो बकवास थी, उसको आती नहीं एक्टिंग करनी, तो ये डेफामेशन नहीं है, वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, राइट। वी हैव अ सेवंथ एक्सेप्शन, दैट इज सेंसर बाय वन इन अथॉरिटी। कोई पर्सन जो सेंसर कर रहा है, लाइक इफ एनी पर्सन पासेस सेंसर ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, एनी अदर पर्सन, किसी भी पर्सन के ऊपर आप सेंसर कर रहे हो, जज कर रहे हो उसको, देन इट विल नॉट अमाउंट टू डेफामेशन, क्योंकि आप जज कर रहे हो, राइट। लाइक सपोज एन एम्प्लॉय बीइंग सेंसर बाय द एम्प्लॉयर इन गुड फेथ, एम्प्लॉय को काम करते हुए एम्प्लॉयर ने जज किया, सेंसर किया, और वो कह रहा है गुड फेथ में कि आपको काम ही नहीं आता, सबके सामने बोल दिया। अब सबके सामने बोल दिया तो डेफामेशन थोड़ी ना है, जो उसको एक्चुअल में काम नहीं आता तो बात खत्म। तो गुड फेथ में व्हाट इज रिक्वायर्ड इज गुड फेथ। सो इन गुड फेथ अगर कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट के कंडक्ट को सेंसर कर रहा है, जज कर रहा है, और सबके सामने बच्चों को बोल रहा है कि आपको तो पढ़ना ही नहीं आता, तो ये डेफामेशन में कवर नहीं होने वाला। वी हैव एट्थ एक्सेप्शन, कंप्लेन टू अथॉरिटी। अब कंप्लेन करना वो अपने में किसी की डेफामेशन तो है नहीं, तो लॉ कहता है इफ एनी पर्सन हु हैज लॉफुल अथॉरिटी ओवर अदर पर्सन असेस हिम अक्यूज़ेस हिम, देन इट विल नॉट अमाउंट टू डेफामेशन। अगर किसी के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो, किसी अगेंस्ट आप कंप्लेन फाइट करने वाले हो, अगर वो कंप्लेन गुड फेथ में फाइल की गई है, वो कंप्लेंट फॉल्स नहीं है, तो वो डेफामेशन बिल्कुल नहीं है। ए इन गुड फेथ प्रेफर्स एन एक्विजिशन रिगार्डिंग एक्ट टू अ जज, लाइक इफ ए वार्डन इन गुड फेथ एक्यूजेस अ हॉस्टलर सी टू द डीन ऑफ द कॉलेज, तो कोई भी ये जो बेसिकली है वो उसमें कवर होने वाली नहीं है, डेफामेशन में कवर नहीं होने वाली। तो कोई भी पर्सन जो लॉफुल अथॉरिटी में है, अगर वो किसी पर्सन के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन फाइल करने वाला, तो वो अपने आप में कवर नहीं होने वाली। तो कंप्लेन डजंट मीन कि उसके अगेंस्ट, लाइक कोई भी कंप्लेन सिंपल वे में भी आप कंप्लेन कर सकते हो, वो डेफामेशन नहीं है, ठीक है जी। तो
वार्डन अगर हॉस्टलर के पास जा रहा है या उसको कह रहा है कि भाई ये तो पर्सन जो है वो काम नहीं कर रहा, उसको खाना नहीं बनाना आता, बच्चे जो है वो कंप्लेन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेफामेशन कर रहा है, वो गुड फेथ में कर रहा है, बच्चों की भलाई के लिए कर रहा है, तो वो डेफामेशन कवर नहीं होने वाला। वी हैव नाइंथ एक्सेप्शन, दैट इज इंप्यूटेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग अगर आप इंप्यूट कर रहे हो, इफ एनी एक्विजिशन और इंप्यूटेशन आर मेड ऑन अनदर पर्सन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वन सेल्फ, देन इट इज नॉट डेफामेशन। बिल्कुल डेफामेशन नहीं है, क्योंकि आप अपने को बचाने के लिए अगर आप इंप्यूट कर रहे हो, जब अपने ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी को इंप्यूट कर रहे हो, वो डेफामेशन में कवर नहीं होने वाला। सपोज एन एम्प्लॉई डी हु हैज बीन टोल्ड टू मेक अ मंथली रिपोर्ट ऑन द कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉई ऑफ दैट सेक्टर राइट्स अबाउट द बैड कंडक्ट ऑफ वन एम्प्लॉई जेड। अगर एक एम्प्लॉई डी था, एम्प्लॉय ने डी को कहा कि आप पूरे एम्प्लॉयज की एक रिपोर्ट बनाओ, और डी ने रिपोर्ट बना दी कि जेड जो है वो सही काम नहीं करता, तो डेफिनेटली जेट के रिगार्डिंग वो डेफामेशन बिल्कुल नहीं होने वाली, राइट? क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि सभी पर्सन जो है वो मिलके काम करें और फर्म के रिगार्डिंग काम करें, फर्म के फेवर में काम करें, कंपनी को कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करें। इसलिए अगर वो सर्वे कर रहा है, सर्वे करने में कहा उसने बता दिया कि ये जो जेट है बेसिकली इसके कंडक्ट मुझे सही नहीं लग रहा, तो वो अपने आप में डेफामेशन नहीं मान जाएगी। वी हैव अ लास्ट एक्सेप्शन, caution is good faith. If any caution is made for the good of that person or for the good of the public, then it will not amount to defamation. So caution, good faith, जो है basically वो बिल्कुल भी cover नहीं होने वाली इस case में defamations में। तो ये काफी important था हमारे लिए। 499 से लेके 502 इंडियन पैनल कोड हमने cover किया है। Although 501 जो है वो printing regarding में बात कर रहे हैं। 502 seller offer to sell के बारे में बात कर रहा है। तो उसमें उसके साथ हमने जो 3 केसेस है वो हमने कवर किया है। लाइबल और सिलेंडर के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो बेसिकली लाइबल है वो एक परमानेंट फॉर्म में होता है, सिलेंडर जो है वो परमानेंट फॉर्म में नहीं होता, राइट? इसलिए इंग्लिश लॉ में सिर्फ लाइबल को ही पनिश किया गया है, क्रिमिनल लॉ में सिलेंडर को पनिश नहीं किया गया। लेकिन हमारे इंडियन लॉ में डेफामेशन में दोनों ही वर्ड्स को कवर किया गया, चाहे वो लाइबल है चाहे वो सेंडर, दोनों को ही कवर किया गया। भी हम इस इन्योंडो के बारे में बात की है। इन्योंडो मीन्स इनडायरेक्ट वे से अगर आप किसी को डेफामेशन डिफेम कर रहे हो, तो वो भी कवर होने वाली है सेक्शन 499 में। दैट मीन्स जो डेफामेशन है वो बेसिकली आर्टिकल 99 से ही निकला हुआ है, ताकि आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो है वो गलत जो है वो बेनिफिट ना ले सको। भाई मेरा तो राइट था, मैंने गलती बोल दिया किसी के रिगार्डिंग, तो उसमें डेफिनेशन क्या, मेरा तो राइट है। दो फंडामेंटल राइट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। तो आपकी जो 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 कंडक्ट्स है, आपकी जो वर्ड्स जो है, क्या आप बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, उसके ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन डेफामेशन 499 टू सेक्शन 502। ऑलरेडी हमने 506 तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो थैंक यू सो मच। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी प्लीज आप डिस्कस करना। ऑल इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई टेक्निकल नहीं है। 10 सेक्शंस हैं, दैट्स इट, नॉर्मल सेक्शंस हैं हमारे लिए। तो इन केस ऑफ डिफिकल्टी अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप पब्लिश कर सकते हो, राइट? ये डेफामेशन नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।